गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास टेंथ हिंदी मीडियम। आज हमारा चैप्टर है यूज ऑफ कैन कोड। कैन कोड का कहाँ पे यूज करते हैं? देखिए, कैन का मतलब होता है सकना। ये फर्स्ट फॉर्म है। प्रेजेंट टेंस में हम कैन का यूज करते हैं। ये जो वाक्य होते हैं इनके लास्ट में आता है सकता है, सकती है, सकते हैं। कैन की सेकेंड फॉर्म होती है कुड। कुड का मतलब भी सकना होता है। कुड का यूज हम पास्ट टेंस में करते हैं। कुड का मतलब भी सकना है, इन वाक्यों के लास्ट में आता है सका, सकी, सके, सकता था, सकती थी, सकते थे आदि शब्द आते हैं। कैन कुड का प्रयोग क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य अथवा निषेधाज्ञा के लिए किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है वह तेज दौड़ सकता है। सकता है प्रेजेंट टेंस में आता है। ही कैन रन फास्ट, वह तेज दौड़ सकता है। ही कैन रन फास्ट। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं कल स्कूल नहीं जा सका। आई कुड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। गुरुजी मुझे कल नहीं पढ़ा सके। द टीचर कुड नॉट टीच मी यस्टरडे। सके इसका मतलब ये पास्ट में टेंस है तो हमें कुड का यूज करना है। कैन या कुड दोनों के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। गुरुजी मुझे कल नहीं पढ़ा सके। द टीचर कुड नॉट टीच मी यस्टरडे। इसके बाद आता है इसमें कुड का विशेष प्रयोग। प्रेजेंट टेंस में नम्र निवेदन के लिए। नम्र निवेदन का मतलब होता है पोलाइट रिक्वेस्ट। प्रेजेंट टेंस में नम्र निवेदन के लिए कुड का प्रयोग करते हैं। क्या मैं आपसे कल मिल सकता हूं? कुड आई मीट यू टुमारो। कुड आई मीट यू टुमारो। तो स्टूडेंट्स, ये यहां पे कंप्लीट हो जाता है। रूल आपको अच्छी तरीके से नोटबुक में नोट करने हैं और इनको लर्न करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव ए नाइस डे।